Living happy, and you are stick to your topic, and you are uh, you know focused, and you are giving concentration to your topic, and you're happy. Your mind will release serotonins, serotonins, and dopamines that will give you pleasures. or ye have pleasures, and you enjoy karoge life. Ko. Niche दें जी ये तो हमने लैंग्वेज मॉडल को देखा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इफ यू वांट टू एंटर डेटा इन योर सब कॉन्शियस माइंड यू आर इंटरेस्टेड टू एंटर डाटा इन योर सब कॉन्शियस माइंड सो वट आर द वे वट आर सम रूल्स वट आर सम प्रकॉशंस एंड हाउ यू कैन एंटर डाटा इन योर सब कॉन्शियस माइंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर इज अ कॉन्शियस माइंड एंड देर इज सब कॉन्शियस माइंड एंड देर इज अ वाल बी

वो जवाब किससे दे रहा होता है अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता उसने पूरे बॉडी को सब कॉन्शियस बना के रख दिया और उस बेचारे को पता ही नहीं आप उससे पूछ के देखें आप टेंशन लेते हैं वो आपको कहेगा मैंने कभी टेंशन ली नहीं इफ यू वॉन्ट टू एंटर डाटा इन योर सब कॉन्शियस माइंड यू नीड विजुअलाइजेशन आपको विजुअलाइजेशन की जरूरत है और विजुअल्स विजुअल्स के जरिए डाटा डायरेक्टली एंटर हो जाता है आपके माइंड सब कॉन्शियस में चीज चली जाती है आसानी से चली जाती है आप उसे यह बताएं, डोंट डोंट गो आउटसाइड एंड डोंट प्ले क्रिकेट चिल्ड्रन को किसी बच्चे को, को बाहर नहीं जाना यू शुड नॉट गो आउटसाइड एंड प्ले क्रिकेट आपने जैसे उसे उसे कहा कि उसने ये नहीं इस चीज पे नोट इसको नोटिस नहीं करना कि बाहर नहीं जाना उसने इस चीज को नोटिस करना है जो विजुअल आपने क्रिएट कर दिया ग्राउंड बैट फ्रेंड और फील्ड विजुअलाइजेशन जैसे विजुअलाइजेशन करते हैं वट एवर यू बिकम यू शुड विजुअलाइज यू शुड मेक मूवी यू शुड मेक क्लियर पिक्चर यू मेक थ्री डी इमेजेस एच डी मूवी इन योर ब्रेन वट यूट टू विजुअलाइज फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी सिलेक्टेड एज अ सी एस एस ऑफिसर फॉर दैट आई शुड विजुअलाइज इफ आई आई बिकम सी एस एस ऑफिसर वट काइंड ऑफ

लेस हीट प्रोड्यूस लेस फायर लेस फायर प्रोड्यूस लेस हीट ग्रेटर द फायर ग्रेटर द हीट जितनी फायर के अंदर ताकत होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी आपकी ख्वाहिश के अंदर आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर कितनी जान है कितना वो थ्री और उसको एच बनाती है उतना ही विजुअल क्लियर आपके सामने इमेज बन जाएगा और आप जल्दी से अपने माइंड में उसको उतार लोगे वो चीज कभी इंप्लीमेंट होके आपके सामने नहीं आ सकती वो आइडिया कभी रियलिटी नहीं बन सकता जो एक्शन में नहीं आता और विजुअलाइजेशन में नहीं आता ब्लाइंड 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 हो blind तो कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता तो गॉड ने आपको ब्रेन दिया आप इसके अंदर विजुअलाइज करते हो ब्रेन के अंदर और फिर वो क्लियर जितनी इमेज होगी उतना मंजिल के करीब होप यू गॉट द पॉइंट सबसे पहले जो मैंने करना है उसको मैंने विजुअलाइज करना है और उसकी वीडियो क्लियर करनी है उसके कलर उसकी साउंड उसके लोग उसके पीपल उसके फॉलोर उसके उसके सारे प्रिकॉशन उसकी इमेज उसकी वीडियो उसकी एच क्वालिटी हर चीज को मैं जितना क्लियर करूंगी अपने माइंड में उतना ही ज्यादा मुझे क्लियर नजर आएगा मेरी मंजिल मैंने पीपीएससी इंग्लिश पास करना है तो मैं क्या रिस्पेक्ट गेन करूंगी क्या मैं किसी को फेसिलिटेट करूंगी मैं कैसे पढ़ाऊंगी कैसे मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगी क्या होगा मेरा फ्यूचर आप अभी उसे देखें देन यू विल बी क्लोजर टू योर फ्यूचर आप विजुअलाइजेशन के जरिए अपने गोल के उतने नजदीक पहुंच सकते हैं जितना ज्यादा फायर होगी उतनी ज्यादा हीट लेस फायर प्रोड्यूस लेस हीट ग्रेटर द फायर ग्रेटर द हीट उसके बाद कहता है कि अफर्मेशन अफर्मेशन का मतलब होता है कि सेल्फ सजेशन अपने आप को सेल्फ सजेशन दो कि मैंने ये करना है अफर्मेशन का बेसिक मकसद क्या होता है कि मैंने करना क्या है वट आई वॉन्ट टू डू वट आई वॉन्ट टू बिकम हाउ आई वॉन्ट टू अचीव सेल्फ सजेशन अपने आप को देते रहो देखें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो चीज हम रिपीट करते रहते हैं रिपीट करते रहते हैं उसके पैटर्न हमारे ब्रेन के ऊपर बन जाते हैं कुछ लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि उनके फेस के ऊपर भी उनके उनकी टेंशन के जो निशानात होते हैं मार्क्स उनके नजर आते हैं आप उनसे उनके मुंह की तरफ देख के कह सकते हैं यार तुम बहुत टेंशन लेते हो वो आपको बताएगा मैं तो टेंशन नहीं लेता वो कॉन्शियस माइंड से बोलेगा तो अफर्मेशन का मतलब होता है कि सेल्फ सजेशन अपने आप को सेल्फ सजेशन देते रहो मिसाल के तौर पर आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको खींच के ले जाएगा उस डायरेक्शन की तरफ जहां आप ना नहीं जाना चाहती तो आपने उसको रोकना है और उसे सजेशन देनी है आई हैव टू और सजेशन हमेशा किस में देनी है अगर मैं ये कहता हूं अपने आप को कहता हूं कि मैं बहुत अमीर हूं साथ ही लॉजिक क्योंकि ये लॉजिक मैं बहुत मैं एक मिलियन बिलियन बिलियनरी हूं अगर मैं बिलियनरी नहीं हूं तो मेरा माइंड उसको फॉरन ही रिजेक्ट कर देगा क्योंकि माइंड हमेशा लॉजिक किसी ना किसी लॉजिक को मानता है अगर आप उसको लॉजिक देते हैं कि मैं अमीर हो रहा हूं मैं तरक्की कर रहा हूं मैं इंप्रूवमेंट कर रही हूं मैं अपने गोल के पास जा रही हूं हमेशा हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दें सजेशन, उसको कभी फ्यूचर में ना दें कभी उसको परफेक्ट टेंस में ना दे क्योंकि उसे वो जानता है कि आपके पास कुछ नहीं है आप जिस पोजीशन पे खड़े हो आप कहो कि मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं तो आपको खुद खुद पॉजिटिव सजेशन जाएगी और सब कॉन्शियस के अंदर उतर जाएगी अगर आपने ये कह दिया अपने माइंड मैं तो बहुत अमीर हूं मैं बहुत अमीर हो गया हूं लेकिन वो जानता है कि आप तो अमीर नहीं हुए आपको फॉरन रिजेक्ट कर देगा इसको आपने उसके अंदर इस तरह से कमांड डालनी है कि मैं अमीर हो रहा हूं आई एम गेटिंग प्रोग्रेस आई एम गेटिंग नियर टू माई गॉड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ और वाकई आप इंप्रूव भी कर रहे हैं आपका माइंड फॉरन पिक कर लेगा सेल्फ सजेशन देना सीखे तो इस तरह मैंने मैं आपको अब आप उसका पहले मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड पढ़ाया था अब आप मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ यू कैन एंटर डाटा इन योर सबकॉन्शियस माइंड दिस व्हाट आई एम टीचिंग यू बिफोर दैट आई टॉट यू अबाउट सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड हाउ कैन यू हाउ यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू योर सबकॉन्शियस बिकॉज योर सबकॉन्शियस कॉन्शियस डज नॉट नो वॉट इज हैपनिंग इट्स इज टोटली डिफरेंट टू योर कॉन्शियस माइंड और ये मेथड है उसके अंदर डाटा उतारने के वो विजुअल्स को लेता है वो मेटाफर को लेता है वो सेल्फ सजेशन को लेता है वो अफर्मेशन को लेता है वो मेडिटेशन से लेता है चीजें हिप्नोटिक स्टेट में लेता है और थेटा स्टेट के के थ्रू अंदर जाती हैं उसके सबकॉन्शियस के बॉडी स्टेप आपने जितने भी बड़े बड़े कोच देखे होंगे बड़े बड़े वो हमेशा अपने लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं जब आप किसी चीज के बॉडी स्टेप लेते हो बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हो ट्रेनिंग करते हो तो वो आपके न्यूरल पैटर्न यहाँ पे बन जाते हैं ब्रेन के अंदर मैंने आपको एक बंदर की मिसाल दी थी कि बंदर को लिया गया और बंदर के साथ एक रोबर्ट लगा दिया गया और वो उसके हाथ को ऐसे घमाता ही रहा वो रोबर्ट उसके हाथ को घमाता है तो उसके माइंड के ऊपर उन्होंने देखा कि जब उसका एम किया गया उसकी मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेज की गई उसकी इमेज देखी गई तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि न्यूरल पैटर्न बने हुए थे। और एक ही होते हैं। अगर जो कुछ आप ब्रेन के से सोचते हैं वो इसके ऊपर पड़ता है जो से करते हैं, उसके बन जाते हैं। मतलब जो आप प्रैक्टिस करोगे वो आप बन जाओगे योर थॉट विल गुड नथिंग इज बैड एज शेक्सपियर सेड नथिंग इज गुड नथिंग इज बैड योर थिंकिंग

And there was a long love story and after that uh, this prince he takes the princess. images कितनी ye करोगी ye metaphors hain सिंबल मेटाफर का मतलब होता है सिंबल symbol. आप symbolic लैंग्वेज में अपने आप को डाटा दो देखिए बहुत सारी चीजें हमें भूल गई लेकिन जैसे अरिस्टोटल ने कहा था प्लाट ऐसा हो कि करेक्टर याद ना रहे लेकिन प्लाट याद रहे तो यहाँ पे देखें वही चीज आपको मेटाफर्स मिल रही है एक बादशाह था उसकी तीन बेटियां थी तीनों से पूछता है, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो एक कहती है चांद सूरज तारों से ज्यादा दूसरी कहती है उससे भी ज्यादा तीसरी कहती है मैं प्यार तो करती हूँ लेकिन जब मेरी शादी होगी तो आधा प्यार उधर चला जाएगा वो कहता है सोच लो थिंक वो कहती है नथिंग वो कहता नथिंग विल गेट नथिंग देखिए सारा कुछ भूल जाए करेक्टर भूल जाए लेकिन वो सिंबल की शक्ल में मेटाफर की शक्ल में चीजें याद रहती है तो अगर आप अपने ब्रेन के अंदर कुछ दाखिल करना चाहते हो सबकॉन्शियस के अंदर कुछ दाखिल करना चाहते हो यू मस्ट एंटर थ्रू मेटाफर्स मेटाफर्स होते हैं शॉर्ट स्टेल्स की तरफ एनकडॉट की तरफ टेल्स की तरफ मिथोलॉजीज की तरफ और सिंबल्स की तरह डाटा इंग्रेव हो जाता है भूलता रही है। ये मैंने आपको मेथड बताए किस तरह से हम डाटा सबकॉन्शियस में दाखिल करते सो यू 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 डू डू शुड थ्रू ये ये नहीं कि एक दफा सोचा और किया ये हो गया नो नीड नीड टू टू आपके सबकॉन्शियस में कुछ मेटाफर्स डाले कुछ इमेजेस डाले कुछ सजेशन दे कुछ विजुअलाइजेशन करवाए कुछ आपको हिप्नोटिक स्टेट में ला के आपके अंदर wash your brain, reputation. So these are things. If you want to bring changes in your life, if you want to have some development in your life, you want to break your autopilot life, you want to leave your autopilot and uh, automatic life, then learn neuro-linguistic programming. And I want that you should write and comment if you think there are some other method with which you can enter data in subconscious you have some methods you have some you know techniques share on the comment i will be uploading this lecture on my youtube channel you can watch over there and you can share with your friend stay blessed and have a nice time